इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन पे एक रात ऐसी होती है जब इंसान के एहसासात और अल्लाह का करम मिल जाता है। तो किसी ने पूछा, ऐ नवासाए रसूल, वो रात कौन सी है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो रात ज़िलहज की 14वीं की रात है। याद रखना, जब ज़िलहज की 14वीं की रात आती है, आसमान पे पूरा चांद उभरता है, तो उस वक्त अल्लाह का नूर जमीन पे बरसने लगता है और अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से सदा देते हैं कि कौन है जो अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता है। उस वक्त समंदर का पानी बढ़ने लगता है। उस रात लड़के का औलाद होने के असबाब बढ़ जाते हैं। ला इलाज मर्ज को अल्लाह शफा दे देता है और उस रात दुआएं फौरन कबूल की जाती हैं। तो उस शख्स ने पूछा, ऐ नवासाए रसूल, मैं इस अल्लाह की रहमत से फायदा उठाना चाहता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़िलहज की 14वीं की रात जब आसमान पे चांद उभरे, तो इशा की नमाज पढ़ के 27 मरतबा सूरह कौसर और 27 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना और अल्लाह से फिर वो दुआ मांगना जो तुम अपने लिए चाहते हो। अल्लाह पाक के फजलो करम से तुम कुछ ही दिनों में अपनी सारी दुआएं कबूल पाओगे। अपनी सारी दुआएं कबूल पाओगे।